हेलो जी एवरीबॉडी, तो कैसे आप सभी लोग। आज मैं आपको एक ऐसा टेबल बताने वाला हूँ जिसे मैं आपको ऐसे इस वे से इस ट्रिक से आपको समझाऊंगा ना, आप सभी लोग शॉक हो जाओगे। ठीक है, आज मैं 22 का टेबल करने वाला हूँ और इस वे से करने वाला हूँ और ऐसी ट्रिक आजमाने वाला हूँ इस टेबल पे, आप सभी लोग शॉक हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन रख लिया जिसका थोड़ा सा गार्ड टूटा हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी दिनों से टूटा, मैंने इसको चेंज नहीं कराया। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक आजमाने वाला हूँ, ठीक है, 22 के टेबल के बारे में। शायद ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, एक सेकेंड। एक्चुअली क्या है ना, मेरा ना थोड़ा सा स्टैंड टूट गया है। हाँ तो ठीक है, ठीक है, अब ब्लर नहीं हो रहा है। मैं एक ट्रिक आपके सामने करने वाला हूँ, ठीक है, 22 के टेबल में। आपको पहले भी और मैं टेबल दिखा देता हूँ। ठीक है, इधर मैंने टेबल लिखा हुआ है तो इसे मैंने बंद किया हुआ था। इधर पहले आप देखो, 22 वन ज़ा 22, 22 टू 44, 22 थ्री ज़ा 66, 22 फोर ज़ा 88। ऐसे याद करोगे तो काफ़ी बोरिंग भी लगता है यार, और ऊपर से ऐसा लगता है कि यार क्या पढ़ रहे हैं, है ना, बंदा अक जाता है पढ़ पढ़ के। मतलब कह सकते पूरा दिमाग होश पोश हो जाता है यार, कैसे करें, है ना। तो आपको मैं बताने वाला हूँ, पहले आप एक बार इस टेबल को देख लो अच्छे से। जैसे टेबल लिखा हुआ है ना, मैं सेम ऐसा ही टेबल इस साइड लिख के दिखाऊंगा, वो भी एक ट्रिक की तरह। ठीक है, एक ट्रिक यूज़ करूँगा और आप देखना, और जैसे मैं ट्रिक यूज़ करूँगा ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप गेम खेल रहे हो, सच में जैसे वीडियो गेम्स खेलते हो ना, उस तरह आपको लगेगा जैसे कि आप गेम खेल रहे हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ़ोन की बैटरी ऑब्वियस बहुत कम बची है। शुरू करता हूँ, ठीक है। इधर देखो, हमने क्या करना है, पहले 2 से लेकर 4 तक 2 का टेबल लिख लेना है। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, हमने लिख लिया। अब इस साइड भी हमने सेम ऐसा ही लिख देना है, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, हमने लिख दिया ना। अब इस साइड हमने क्या करना है, 2 फाइव ज़ा 10 कर लेना है। ठीक है, अब अगेन हमने यही टेबल फिर से इसके नीचे लिख देना है, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, हमने कर दिया ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमने ऑड नंबर लिख देने हैं। अब बात करते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं। एक बार आपको पहले मैं ऑड नंबर समझा दूँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये आगे बढ़ते रहते हैं, इसे बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप समझ लेना। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये होते हैं ऑड नंबर, ठीक है, जो कि 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जो कि 2 के टेबल पे नहीं आते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, इवन नंबर आपको पता ही है, 2, 4, 6, 8, ना, ये सारे इवन नंबर होते हैं, और जो सा मैंने आपको ये दिखाया है ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, ऑड नंबर लिखना है। ठीक है, 1 तो हमने लिखा ही हुआ था, अब आ गया 3, 5, 7, 9। 5 थोड़ा सही से लिख दूँ, क्या है ना, मैं जेल पेन यूज़ कर रहा हूँ ना, और काफ़ी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि फ़ोन मेरा स्विच ऑफ ना हो जाए, क्योंकि बैटरी बहुत कम बची है। तो 1, 3, 5, 7, 9 हो गया है। ठीक है, अब इधर क्या करते हैं, इधर 1, 1, 1 कर देंगे। कैसे, 1, 1, 1, 1, 1 कर दिया। अब 22 टाइम्स का कितना होता है, 220। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और आप इधर भी देख सकते हो, ये 22 का टेबल है और ये 22 का टेबल है। आप मुझे बताओ, इनमें से कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको, देख रहे हो ना, ये दोनों 22 के ही टेबल हैं, बट एक साइड क्या है, इस साइड आपको याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इस साइड क्या है, इस साइड सिर्फ आपको हल्का सा अपना ब्रेन लगाना है बस। इस साइड आपको बोल बोल के, रट रट के पढ़ना पड़ेगा, और इस साइड आपको सिर्फ एक ट्रिक की ज़रूरत है बस, और आपको टेबल आपकी ज़ुबान पे होगा, आपके माइंड में होगा, आपके दिल में होगा, और लाइफ टाइम आपको टेबल ये लर्न होने वाला है। ठीक है, 22 का टेबल कुछ नहीं है, सिर्फ 2 का टेबल यूज़ हुआ है। एवरीबॉडी, आप सभी को पता है, सिर्फ इसमें 2 का टेबल यूज़ हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, बाकी ऑड नंबर यूज़ हुए हैं बस, कुछ नहीं हुआ और कुछ में मंत्र नहीं मारा गया। बहुत ही बच्चों वाली ट्रिक थी ये। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई लोग वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बताना मुझे कमेंट करके आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपका जो सा दिमाग है वो एक ट्रिकी वे से पढ़ना चाहता है, उसे एक मतलब इंटरेस्टिंग वे डालो उसके अंदर। ठीक है, उस अब आप ही सोचो, अगर आपको मैं एक फ़िल्म दिखा दूँ, ठीक है, कोई भी फिल्म आप देख लो, और उसके बाद आपको उसी फिल्म की मैं स्टोरी बोल दूँ कि हाँ आप इसकी स्टोरी पढ़ो, तो आप किसे पसंद करोगे, फिल्म देखना पसंद करोगे ना, मूवी देखना पसंद करोगे ना, कि आप उसकी स्टोरी पढ़ना पसंद करोगे। उसी तरह हमारा ब्रेन होता है, हमारी ब्रेन को पढ़ना नहीं पसंद, हमारा ब्रेन कहता है हमें इस ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। जितना आप अपने ब्रेन को यूज़ करोगे ना, उतना ब्रेन आपका शार्प होता जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप खुद सोचो, अगर इसको रटना ही होता
तो मैं आपको सिंपल बोल देता भाई, लोग 10 बार पढ़ लो याद हो जाएगा। और मैं सही बताऊँ आपको, अगर आप 10 बार इसे पढ़ भी लोगे ना, अगर किसी ने आपसे जंबल टेबल बीच बीच में पूछ लिया आप फिर भी भूल जाओगे। बट इसे मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आप 2 बार लिख के देख लोगे ना आपको टेबल याद हो जाएगा, गारंटेड हूँ मैं, ठीक है 100% गारंटी। अगर आपने इसे 2 बार लिख लिया ना आपको टेबल याद हो जाएगा, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ, जैसे आप 3 घंटे की मूवी देखना पसंद करते हो एज़ कम्पेयर टू पढ़ने की वजह से, उसी तरह ये ट्रिक है। हमारा ब्रेन कहता है कि टेबल हमें अगर मैथ्स पढ़ाओ तो हमें ट्रिक की वजह से पढ़ाओ, मैथ्स को कभी याद नहीं किया जाता है, ठीक है। टेबल है, टेबल भी तो एक मैथ्स का पार्ट है। अगर देखा जाए तो मैथ्स टेबल से ही शुरू होती है, इवन नंबर ऑड नंबर टेबल्स इन्हीं से, तो ये तो सारे मैथ्स के बेसिक्स हैं। और टेबल्स ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में यूज़ होते ही रहेंगे, चाहे आप कोई भी काम करो, ठीक है, टेबल तो यूज़ होंगे ही होंगे। तो इसीलिए आप ट्रिक यूज़ करो एज़ कम्पेयर टू क्रैमिंग, ठीक है। रट्टा मत मारो इसको, समझो इसको ये बोल क्या रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं, बस यही था कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और एक समझ के पढ़ो, सिंपल सी बात है, रट्टा मत मारो, ठीक है। ये रट्टा था, ये समझ था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी को वीडियो अगर ना समझ आई हो तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, आपको 100% समझ आ जाएगी। टिल देन गुड बाय ऑल द